तारीख के उस पार झांक कर कुछ खोज निकालने के लिए मैं आपको ले जा रहा हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और अब तक लीस्ट एक्सप्लोर्ड फोर्ट में। आप यकीनन समझ गए होंगे कि हमारा रुख सिंध के मशहूर और कदीम किले रनीकोट की तरफ है। जिस तरह दुनिया के सात अजायबात मशहूर हैं, इसी तरह रनीकोट सिंध का अजूबा है। इससे मुतालिक अजीब पुरेसरारियत पाई जाती है। ये सारा इलाका एक अजीब से शहर में जकड़ा हुआ लगता है। इस किले की मरम्मत एक से ज़ायद मरतबा की गई है, लेकिन मुझे अब तक इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हो सका कि यह किला कब तामीर हुआ था, किसने तामीर किया और क्यों किया। इस वसीह और अरीज और पुरेसरार किले के मुतालिक तफसीलात, हकायक और तारीख की खोज लगाना कोई आसान काम नहीं। तारीख के उस पार से पुरेसरार दुनिया की खोज लगाने के लिए मैं आज आपको लेके जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और लीस्ट एक्सप्लोर्ड किले में। वी आर हियर एट रनीकोट, द खोज इज जस्ट बिगिनिंग, सो स्टे विद अस। हैदराबाद से अगर आप कुछ 40 मील दादू सेवन की तरफ जाएं, तो फिर वहां से लेफ्ट साइड को 30 किलोमीटर का फासला जो है और करना पड़ता है, जो पक्का रोड बना हुआ है। आजकल किसी ज़माने में लोग जो है वो ऊँटों पे जाते थे और फिर वो एक जगह पे जाके वो रुक जाते थे और लोग वहाँ पहुँच के और उसको समझने की कोशिश करते थे कि ये क्या है। अच्छा, रनीकोट ऐसी जगह है कि लोग आमतौर पर जब आप कोई किला देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये किला है। रनीकोट जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये नहीं सोचते हैं कि ये किला है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कह दी। किसी ने कहा कि जी ये तो जेल लगता है, ये तो यहाँ कैदियों को जो है वो बंद करते होंगे। किसी ने कहा कि जी ये तो कोई शिकारगाह हो सकती है, इतने बड़े इलाके में एक चीज़ फैली हुई है तो वो क्या है। अच्छा, वो इतना वसी है कि अगर आप उसके दीवार से चलना शुरू करें और उस किले की हदूद को चारों तरफ से घूम कर आ जाएँ तो वो 30 किलोमीटर बनते हैं। आम किले में आप घूम फिर कर आ जाएंगे तो वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनते। ये किला सिंध के पहाड़ी सिलसिले कीर्थर की इंतहाई मशरकी पहाड़ियों पर वाक़ है। यूं तो इस मशरकी पहाड़ी सिलसिले के जगह जगह कई नाम हैं, लेकिन मकामी अफराद इसे लकी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। रनीकोट कराची से तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव पर है। रनीकोट की मगरबी दीवार जिस पहाड़ी पर मौजूद है इसे कारो जबल कहा जाता है। मशरकी दीवार लुंडी जबल पर बनाई गई है, जबकि जनूबी दीवार हिंज चोटी पर है। शुमाली जाने बहुत सा हिस्सा बगैर किसी दीवार के है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद उमूदी पहाड़ियाँ किले के लिए कुदरती फसील का काम करती हैं। किले के घेरे के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन 1989 में सिंध एक्सप्लोरर सोसाइटी ने मुहिम जोई के बाद पैमाइश की जो 20 किलोमीटर बनती है। ये वही सन गेट है जो कि कभी रनीकोट का दाखिली दरवाजा हुआ करता था। आज इसी दाखिली दरवाजे के थ्रू हम आपको लिए चलेंगे रनीकोट की पुरेसरार दुनिया में।
ये इस किला बंदी का मरकजी दरवाज़ा है। आमसैया, तबाहशुदा डैम और इसके दरमियान पाए जाने वाले खुश्क बरसाती नाले को मरकजी और मशरकी दरवाजे समझते हैं। बज़ाहिर तो ये रास्ता मरकजी दरवाज़ा मालूम होता है, रनी कोट में दाखिले का आजकल ये वाहिद रास्ता है। मैंने भी इब्तदा में इसी को दाखिली दरवाज़ा समझ लिया और मरकजी दरवाजे सन गेट को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन जल्द ही मेरी मुतजस्सिस और खोजी तबीयत ये जान गई कि किले में दाखिले का असल दरवाज़ा बाएं जानेब तामीर शुदा बड़े बुर्ज के बगल में है। ये कुछ इस तरह बना हुआ है कि बग़ौर देखने पर भी ये दाखिली दरवाज़ा नहीं लगता, यहाँ सिर्फ एक बुर्ज और दीवार नज़र आती है। मरकजी दरवाज़े सन गेट तक रसाई के लिए ये ज़रूरी होगा कि आप बुर्ज के साथ बनी हुई दीवार के नज़दीक खड़े होकर बुर्ज की जानिब देखें। सामने ही गुजरगाह नज़र आ रही है। इस जगह दीवार को मोड़कर बुर्ज के साथ जोड़कर डेवड़ी के जरिए बुर्ज को कुछ इस तरह जोड़ा गया है कि पहली नज़र में कोई आड़ नज़र नहीं आती। ये डेवड़ी दो मजबूत दरवाज़ों के जरिए किले का दिफा करती है। ये अपनी तर्ज का महफूज तरीन और वाहिद दाखिली दरवाज़ा है जो कहीं और नज़र नहीं आता। देवड़ी के दरवाजे में दाखिल होते ही पहरेदारों की कोठरियां नजर आती हैं। यहां माजी के मजबूत दरवाजे के निशानात मौजूद हैं। बाएं जानेब किले की असल दीवार है। दूसरा दरवाज़ा अबूर करते ही मैं खुले मैदान में आ गया हूं। इस खुले मैदान से किले में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे गहरी खाई है जो बरसाती नदी की वजह से बन गई है। यह मरकजी दरवाजे का मजबूत बुर्ज और साथ मौजूद दीवार एक मजबूत किला बंदी का तासुर पेश करते हैं। देखिए, आप जैसे ही जाएंगे अंदर तो सबसे पहले तो आपको मशरिक़ की तरफ से आप जाते हैं तो मशरिक़ की तरफ आपको एक दरवाज़ा मिलेगा जो छुपा हुआ है, जो आपको पहली नज़र से आंखों से नज़र नहीं आएगा। जब आप उसके करीब जाएंगे, दीवार के साथ घूम के थोड़ा सा चक्कर लगा कर आएंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये इसकी एंट्रेंस है। वहाँ जाने के बाद फिर आपको अंदर का दूसरा गेट नज़र आएगा। इस वक्त आपको सिर्फ दरवाज़ा ही नज़र आएगा कि यूँ एक पैसेज है, लेकिन ये अब जाके लास्ट सीज़न में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ न सिर्फ ये कि ये पैसेज है कि एक डेवड़ी सी है, बल्कि यहाँ एक हाथी दर हम उसे कहते हैं, जिसमें लोहे की सलाखें लगी होती थी, वो भी वहाँ मौजूद था। अब हमें वो किले मिली हैं आपके, इससे पहले कभी वो चीज़ें नहीं मिली थी। तो वो मेन दरवाज़ा था। उसके बाद जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि एक दीवार लेफ़्ट को चली गई, एक फिर नीचे नदी के पेट में उतरती है, फिर उसमें पिलर्स नज़र आते हैं। अब वो पिलर जो हैं वो इसलिए थे कि नदी के पेट में से अगर कोई दुश्मन अंदर जाने की कोशिश करे तो उसे कैसे रोका जाए। तो उस पिलर्स में उन्होंने लोहे की सलाखें डाल के वो रोकते थे। उसके ऊपर उन्होंने ड्रा ब्रिज रखा हुआ था कि इस किनारे से उस किनारे तक जो है वो कैसे जाए आदमी। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है इस पूरे किले में, जो सबसे अहम और समझने की और टाइम देने की चीज़ है वो ये है।